कहते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है किसी और को हंसाना। एक पल के लिए ही सही, किसी और के चेहरे की मुस्कान तो बनके देखो, फिर पता चलेगा कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन ये काम बड़ी ही आसानी से कर जाते हैं कपिल शर्मा, और यही वजह है कि इस कठिन काम के लिए कपिल को मिलते हैं करोड़ों रुपए। कपिल शर्मा नाम तो सुना ही होगा, आजकल तो बच्चा बच्चा इनको जानता है। हर घर में टीवी सिर्फ इनके लिए खुलता है भाई, ताकि कम से कम एक घंटे के लिए सही लोग अपना दुख दर्द भूल कर सिर्फ इनके साथ हंसी के ठहाके लगा सके। को ये सबसे कम लागत वाला काम है, लेकिन सबसे मुश्किल है। आप किसी का दर्द तो नहीं ले सकते, पर उसे हंसा जरूर सकते हैं। किसी को हंसाने के लिए जानते हैं कपिल को कितने पैसे मिलते हैं? 5 करोड़ से भी ज्यादा। जी हाँ, 5 करोड़ से ज्यादा की कीमत है कपिल के एक शो की, और ये सिर्फ कपिल की कमाई है। शो से जुड़े बाकी कैरेक्टर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें खुलासा किया गया कि जब से कपिल के शो ने नेटफ्लिक्स पर एंट्री की है, तब से उनकी फीस में काफी बढ़ोतरी हो गई है, और लोगों को हंसाने के लिए नेटफ्लिक्स उनको झोली भर भर के पैसे दे रहा है। 192 कंट्रीज में देखे जाने वाला कपिल का शो इतना पॉपुलर हो गया है कि नेटफ्लिक्स इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इसलिए उसने कपिल को 5 एपिसोड के लिए 26 करोड़ रुपए दिए हैं। कपिल इस समय सबसे महंगे स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनको एक शो के लिए इतने पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सुनील ग्रोवर की, जो कि शो में गुत्थी का किरदार निभाते हैं, तो उनको पर एपिसोड 25 लाख दिए जाते हैं। अर्चना पूरन सिंह को कुर्सी पर बैठकर हंसने के लिए 10 लाख पर एपिसोड दिए जाते हैं। अभिषेक कृष्णा भी कपिल के शो में 3-4 मिनट के अपने एक्ट के लिए 10 लाख लेते हैं। कीकू शारदा, जिनको आप कभी शेफ, कभी गांव वाले भैया, कभी साइंटिस्ट के किरदार में देखते हैं, उनको भी शो में चंद मिनटों में अपना कमाल दिखाने के लिए 6 से 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस बार नेटफ्लिक्स के शो में राजीव ठाकुर भी हैं, जिनको 6 से 7 लाख पर एपिसोड दिया जाता है। तो भैया, कहने का मतलब ये है कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी कैरेक्टर्स अपना अपना योगदान तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि शो कपिल के नाम पर चलता है और कपिल ही उसके कर्ता धरता है, इसलिए कपिल को सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। अगर आपने क्रू फिल्म नहीं देखी है तो आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने इस फिल्म में भी एक छोटा सा अपीयरेंस दिया था, और इस अपीयरेंस के लिए भी कपिल को 40 से 50 लाख रुपए दिए गए। कपिल शर्मा इस समय इंडस्ट्री के सबसे महंगे कॉमेडियन है जिनकी नेटवर्थ 330 करोड़ है। गाड़ियों की बात की जाए तो उनके पास भी करोड़ों की 2 गाड़ियां हैं। उनके पास 1.25 करोड़ की वॉल्वो XC90 और 1.20 करोड़ की मर्सिडीज बेंज S350 CDI है। मतलब अच्छा खासा कलेक्शन है भाई। मिडिल क्लास फैमिली से आए कपिल कभी केवल 500 रुपए के लिए काम करते थे, लेकिन आज 1 घंटे के एपिसोड के लिए भी उनको मिलते हैं 5 करोड़ से भी ज्यादा। वैसे लोगों को हंसाने वाला उनका एक टैलेंट ही था जो आज उनको यहाँ तक ले आया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से कॉमेडी नाइट्स का सफर आसान नहीं था, लेकिन इतने सालों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि इंडियन टेलीविजन को भी एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। इसलिए शायद किसी ने ठीक ही कहा है, वो खुदा भी देगा तेरा साथ, जब खुद पर होगा विश्वास, जो मार्ग से भ्रष्ट ना होगा पूरी होगी उसकी आस। चलिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।